अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख सकते हैं ये 3 अंडे ले ली हूँ मैं। आप लोग देख सकते हैं ये नमक है, ये हल्दी पाउडर है, ये ज़ीरा पाउडर है, ये मीठा तेल है, ये धनिया पाउडर है, ये अदरक लहसुन है, ये मिर्ची है, ये कोथिमीर है, ये कटी हुई हरी मिर्ची है, ये कटे हुआ टमाटर है, ये कटी हुई प्याज है। मैं इसको अच्छी तरीके से धो के साफ़ करके रख ली हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैं बनाने का तरीका बतलाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा मीठा तेल है ना, हल्का सा गर्म होने दूंगी, फिर प्याज डालूंगी। आप लोग देख सकते हैं ये प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो गई बस आप लोगों को बतलाऊंगी। आप लोग देख सकते हैं ये मेरी प्याज हल्की सी ब्राउन हो चुकी है। मैं ये अदरक लहसुन डाल रही हूँ। अब ये मेरा अदरक लहसुन भी फ्राई हो चुका है। अब मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ। हरी मिर्ची भी फ्राई हो चुकी है। मैं टमाटर डाल रही हूँ। अब यहाँ पर देखो आप नमक डाल रही हूँ, ये धनिया पाउडर है, ये जीरा पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, ये मिर्ची पाउडर है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। आप लोग देख सकते हैं अब मैं यहाँ पर अंडे फोड़ के डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोथिमीर भी डाल रही हूँ। जलना नहीं, अच्छी तरीके से मिलाना है आप लोगों को। तो अच्छी तरीके से मिला के पकाओ। इसको खाने के संग भी खा सकते हैं, पराठे के संग भी खा सकते हैं। आप लोग भी एक बार मेरी तरीके से बना के देखिए, बहुत झटपट बनता है। ये अंडे की भुजिया है, ये हर कोई खाना पसंद करता है नाश्ते में। हाँ, क्या खुशबू आ रही है। ये मेरी भुजी बन गई है, मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। ये मेरी तरीके से एक बार बना के देखिए। अब मैं आप लोगों को चख के बतलाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यम्मी 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 बनी है। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।